वेलकम टू न्यू फ्रेश वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर दत्तपुकुर स्टेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं और इरफान के घर से बेसिकली 1 किलोमीटर दूरी होगा। और वहाँ पे बाइक रखने के बाद हम लोग इरफान के बाइक से यहाँ पे दत्तपुर स्टेशन की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और बेसिकली 11:40 पर हमारा ट्रेन है और अभी 11:30 बज चुके हैं और हम लोग बेसिकली ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं हावड़ा की ओर। और बेसिकली हावड़ा स्टेशन में उतरेंगे, वहाँ पे कुछ शूट वगैरह कंप्लीट करेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे सियालदह की ओर। बेसिकली हम लोग एक ट्रेन पकड़ने वाले हैं और उससे बेसिकली हम लोग उसका अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड जाने वाले हैं। लगभग बेसिकली 25 स्टेशन को कवर अप करने वाले हैं आज। तो गाइस अभी सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं। वैसे तो यहाँ से हावड़ा बेसिकली 7-8 स्टेशन के बाद होगा और उस वहाँ से हम लोग वापस आएंगे सियालदह की ओर। तो गाइस वहाँ से तो वापस आते आते हम लोगों को 25-30 स्टेशन कवर अप कर देंगे और सभी का ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आएगा। और ये आप जो देख सकते हो ये जो स्टेशन की ओर ट्रेन आया है ये सियालदह की ओर माजराट, और ये माजराट की ओर जा रहा है। और बेसिकली यहाँ ये वाला ट्रेन हमारा नहीं है, बेसिकली इस पटरी पर हमारा ट्रेन आएगा और हम लोग स्टेशन भी ऊपर पहुँच चुके हैं। और इरफान गया था टिकट काटने और टिकट भी हो चुकी है और बेसिकली मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। और बहुत ज़्यादा धूप है दत्तपुर स्टेशन की ओर, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अभी दोपहर का टाइम है और काम दाम बेसिकली ईद के जस्ट 3 दिन बाद ही है इस वजह से। और ये बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर और ये दत्तपुर स्टेशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ने वाले हैं। बहुत ही खाली खाली से लग रहा होगा लेकिन ट्रेन बिल्कुल खाली नहीं होने वाला, ट्रेन को अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है क्योंकि अभी दोपहर के टाइम में बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जहाँ पे लोग ट्रेन पकड़ते हैं वहाँ पे। और दत्तपुर स्टेशन काफ़ी बड़ा है, आप लोग जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में वीडियो दिखाया था। दत्तपुर स्टेशन बड़ा सा स्टेशन हमारे बाजू में पड़ता है। हमारे घर से दत्तपुर स्टेशन 12-15 किलोमीटर दूर होगा और हमारे घर से बेसिकली 12-7 रेलवे स्टेशन लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूरी होगा। और हमारे यहाँ से और एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जो है बावनगाछी, वो बेसिकली 1-1.5 किलोमीटर दूरी है, बहुत ही पास है। तीनों स्टेशन बहुत ही पास है लेकिन हम लोग ज़्यादा 12-7 रेलवे स्टेशन से ही जंक्शन से ही ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन है। वहाँ से ही आप लोग को पूरी की पूरी हर जगह की स्टेशन की बेसिकली रेलवे की ट्रेन मिल जाएगा। और यहाँ पर इरफान बेसिकली पोस्ट मार रहा है क्योंकि इसको आज शूट करना है, वो भी मेरा। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गन्ने का रस पीने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और गन्ने वाले को मैंने बोल दिया 3 गिलास पीने के लिए बेसिकली निकलने के लिए। और जोरों थ्रो से बेसिकली जूस निकालने में फुल बिजी है अंकल, और बेसिकली जूस निकाल के बाद हम लोग पियेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं। तो कई 10 मिनट से ट्रेन आ रहा है, ट्रेन बहुत लेट हो रहा है, 15 मिनट हो चुके हैं अभी तक ट्रेन नहीं आया, पता नहीं क्यों। और अभी अनाउंस जो है लगभग 1 मिनट में ट्रेन आ रहा है। तो गाइस तब तक तो हम लोग ये जूस पी लेंगे और हम लोग ट्रेन की ओर निकलने वाले हैं। तो गाइस ट्रेन बेसिकली राइट साइड के 3 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाला है। तो गाइस वहाँ से हम लोग हावड़ा की ओर निकलने वाले हैं और हावड़ा जाके कुछ शूट कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे। और आज बारिश भी होने वाली थी शाम में, मैंने सुना था न्यूज़ में। तो गाइस अभी बहुत देर है लेकिन बारिश होना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है बाहर, थोड़ा सा बारिश होगा तो ठंडक मिलेगी। तो गाइस ये हम लोग पी रहे हैं बेसिकली जो गाइस गन्ने का रस है। तो गाइस गन्ने का रस भी एक अलग ही टेस्ट आती है गर्मी के मौसम में पीने के लिए।